Welcome, dear students. This is Professor Siddharth Surana, Chartered Accountant, and with me is my friend, philosopher, guide, elder brother, costing guru, one of the best faculties of the country, the best faculty of the country of costing, CA Dani Khandelwal, sir. How are you, sir? Good, sir. How are you? I am good, sir. We are expecting results day after tomorrow, results of CA final. So I can feel those butterflies even after so many years of teaching. Sir, आपको रिजल्ट के पहले कैसा लगा था जस्ट बिफोर योर रिजल्ट? सर, रिजल्ट के पहले तो आप समझ सकते हो हालत कैसी होती है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि रिजल्ट जो आया था उस टाइम पे तो सर ये कंप्यूटर्स में रहता था रिजल्ट करके ना, तो मैंने अपना रिजल्ट 200 बार देखा था, 200 टाइम्स। मैंने मेरे फादर को बताया फोन करके कि पापा मैं सीए बन गया हूँ, तो मेरे पापा ने बोला बेटा तू बराबर से रोल नंबर देखा ना, तो फिर मैंने पापा को बोला पापा रोल नंबर नहीं, वहां पे नाम भी आता है, मैंने नाम भी देखा, तो मेरे पापा ने पूरे कम से कम 10 लोगों को बोला भाई आप जरा ये रोल नंबर है प्लीज चेक करो, बताओ जरा ये रिजल्ट है कि नहीं बराबर करके ना। सर इट्स अ वेरी रियली, एंड सर मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, लाइफ में अगर आपसे कोई कभी भी पूछेगा कि आपकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट डे कौन सा है, वो तो मैं भी बोलूंगा सर, बिल्कुल आपसे, आप चाहे कुछ भी हो जाए कितनी भी वो हो जाए, सर लोग इतना बोलते हैं सीए के बारे में, लेकिन आप मुझे एक भी पर्सन ऐसा बता दो जिससे आप ये पूछ के बता दो कि चलो मैं मेरी सीए की डिग्री को सरेंडर करना चाहता हूँ, अगर वो लोग बुराई करते हैं सीए की आप उनको बोलो कि चल तू सरेंडर कर दे, तेरे को जो चाहिए वो ले ले करके। तो सर बच्चों के लिए तो अपने लिए ये बहुत बहुत ही सर इट्स अ ड्रीम, सीए का कोई रिजल्ट मतलब ये डिग्री नहीं है सर, ये एक ड्रीम है। लोग जब मैं आपको क्या बताऊं आप मानेंगे नहीं, कई कई जगह आपकी भाभी कहीं पे शॉपिंग करने जाती है, अगर मान लो शॉपकीपर के साथ कुछ कोई चीज पे अड़ाअड़ी हो जाती है तो भाभी भी बोल देती है अरे भाई तू ऐसे मत कर, माई हस्बैंड इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट करके मेरे हस्बैंड भी सीए है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और सर मैं आपको बताता हूँ सर सीए ड्रीम है, सीए में आप मतलब आपकी हार्डवर्क पे है और आपका भाग्य भी है, और मैं तो आपको बोलूंगा सर 50-50 तो मान के ही चलो, आप 50% आपका हार्डवर्क है, 50% आपकी कड़ी मेहनत है। करेक्ट सर, है ना। जैसे तो, मैं अभी आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ रैंक इन सीए फाइनल, एंड मेरा तो सीपीटी में तो ऑल इंडिया 19 था ही, इंटर में मेरा सीए पीसीसी होता था हमारे टाइम पे, 3 मार्क्स से मेरा सिर्फ रैंक मिस हुआ था, उसमें भी ITSM 44 था, बाकी सेकंड लोएस्ट मेरा 64 था, मतलब 70s में ही सब मार्क थे, और फाइनल दिया ही इसलिए था कि मैं रैंक लेके आऊं, मैंने पास होने के लिए फाइनल दिया ही नहीं था, लेकिन इसका नाम का हमारे टाइम पे सब्जेक्ट था, देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया आज उसके साथ कैसा हो गया, उसको कोर्ट से निकाल दिया, इसका की वजह से मुझे सीए की एग्जाम 2 बार देनी पड़ी थी। और मैं आपको बता रहा हूं सर कि मतलब हम जो बचपन में बोलते हैं बड़े होके भी बोलते हैं कि खुशी के आंसू निकल पड़ेंगे, खुशी के आंसू, मैंने अपना रिजल्ट ओपन किया और अपने आप पता नहीं मतलब अपने आप आंखों में से आंसू निकलने लग गए, एंड आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग ओनली कि क्या हो रहा है, मतलब सो आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द मतलब फीलिंग क्या होता है, एंड हाँ सर बोलिए आप क्या बोल रहे थे। वेरी गुड, मैं सर आपको एक छोटे से एग्जांपल से बता दूं, सर आप पहले तो ये समझिए कि आपको एक डिफरेंस लगता है सर, एक सीए शब्द जुड़ने से ही, सीए शब्द जुड़ने के बाद जो आपकी लाइफ का जो डिफरेंस आता है करके, आज आप इतने बड़े प्रोफेसर हो, आज कॉमर्स की हाईएस्ट एक्सट्रीम को आप पढ़ा रहे हो, लेकिन बच्चों को आप जो सीए फाइनल के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो कितनी खुशी की बात है, एक छोटा सा टीचर होता है एक सीए के प्रोफेसर। मैं आपको एक छोटा सा सर मैं बताता हूँ आपको अपना खुद का एग्जाम्पल, सर मेरा एक फ्रेंड था वो बीकॉम में फेल हो गया और सर मैं बीकॉम में पास हो गया करके, हम दोनों ने उसने बिल्डर के यहाँ ज्वाइन किया और मैंने सीए ज्वाइन किया करके सर, अब सीए ज्वाइन करने के बाद सीए में पास हो गया, उसने बिल्डर आज वो सर 1000 करोड़ की पार्टी है, लेकिन मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, मैं बच्चों को बोलता हूँ फीस दे दो सीडी खरीद लो ये कर लो, लेकिन सर द डिफरेंस इज ओनली वन, वो दुनिया को सर बोलता है और दुनिया क्या बात मेरे को सर क्या बोलती है क्या बात। तो अगर आपको ये आपको चूज ये तो ये तो मुझे मानना पड़ेगा सर कि मेरा जो लास्ट बैच था लास्ट डायरेक्ट टैक्स का बैच था, आई हैड अ स्टूडेंट ऑफ द एज 59 इयर्स ओल्ड, उन्होंने अभी एग्जाम दिया है, उनका भी रिजल्ट नहीं, उन्होंने एग्जाम एक ग्रुप का दिया, वी आर एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट, बट इफ माई फादर वॉज अराइव टूडे तो वो भी आज 59 इयर्स के होते, एंड आई मस्ट टेल यू सर दैट उस एज के इंसान भी अपने से झुककर और हाथ जोड़कर ये सीए की डिग्री ने हमको ये दिया है, लोग कुछ भी बोले कोई कुछ भी बोले, बट व्हाट सीए कैन गिव यू इन योर लाइफ नो अदर कोर्स, आई थिंक इट इज अ लाइफ चेंजिंग कोर्स, फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, फ्रॉम अ जीरो टू अ हीरो, अगर लाइफ में कुछ अगर अच्छा हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ इस एजुकेशन इस डिग्री की वजह से हुआ है, दैट इज व्हाट सीए इज फॉर मी सर। तो फाइनली बच्चों को आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट, कभी इस चीज को सर आप ये समझ लो ये ड्रीम है,
ये एग्जाम नहीं है, भगवान करे आप 100% सीए बनने ही वाले हैं करके, कोई उसमें वो नहीं। अगर भगवान ना करे कहीं कोई ऐसी वैसी चीज होती तो कभी घबराने का नहीं सर, वंस यू आर ए सीए मींस यू आर ए सीए, आपको कोई पूछेगा नहीं। अगर वो आपको पूछता है कि आपके कितने परसेंट मार्क्स थे, क्या था, तो समझ लो उसको यही पूछना है तेरी फैमिली में कभी किसी ने सीए किया है, उसकी औकात वही दिखा देने का करके। सर सीए इज ए वेरी डिफरेंट टाइप, यू नो इट्स अ ड्रीम। मैंने क्या बताया सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आज आप देखो एक से एक जो लोग बैठे हुए, आज मोदी जी हैं सर, उनका भी सबसे ज्यादा भरोसा सीए लोग के ऊपर है, हर चीज में वो चाहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सर इसमें तो, और आपको तो पता है सर, वी आर फुल टाइम इन टीचिंग, इट्स नॉट लाइक आप भी इतनी बड़ी बिजनेस फैमिली से हो सर, इट्स आपने भी ये इसके लिए चुना सर। आप मुझे बताओ टीचिंग में, जो आजकल नए बच्चे भी पूछते हैं करके नो सर, हम सीए बनने के बाद टीचिंग का करियर ऑप्ट करें कि नहीं करें, 100% करो। व्हाट एल्स यू वांट इन योर लाइफ, यू वांट मनी, यू वांट जॉब सेटिस्फेक्शन एंड यू वांट रेस्पेक्ट, एवरीथिंग यू आर गेटिंग ओनली इन टीचिंग। बिल्कुल, तो हम तो ये कहेंगे सीए बनो और सीए के टीचिंग प्रोफेशन में आओ, यू कैन शेयर योर नॉलेज विद योर फ्यूचर जनरेशन। 100% ये प्रोफेशन का एक खासियत है कि अपने को जो सीखा है वो आगे सीखने को जाएगा। 100% टीचर मेक्स एवरी प्रोफेशन। 100% तो हम तो यही कहना चाहेंगे, विश ऑल द बेस्ट। लास्ट में यस, फ्रॉम अस वी आर इन द मुंबई स्टूडियो एट कॉपर गेट एडुकेयर, फ्रॉम Dani sir and myself, we wish you all the best for your results, upcoming CA final results of November 2019 exams, and hope to see you out with flying colors, and wish you great luck for your upcoming career, all our dear students, please. Thank you very much, and thank wish you all the best. Thank you so much, dear students. Wish you all the best. Thank you.